हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गिविंग योर बेस्ट आज की जो मेरी क्लास है ना वो स्टार्ट होती है इस थॉट से यू नो द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव दैट वर्क इफ़ यू हैवन फाउंड इट येट डोंट गेट सेटल क्या मतलब है इसका कि आप जो भी आप कर रहे हो वट एवर यू आर डूइंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोफेसर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई आई टी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू लर्व दैट और जब तक कि वो ड्रीम आपका पूरा नहीं होता पहली बार तो उसको छोड़ना नहीं है और दूसरी बार सेटल नहीं होना है ठीक है ना ऐसा नहीं सुन रहे हैं लेट इट वी गो इट वी और फिर चेंज कर दो नो no. जो भी चीज़ है उसको अपने दिमाग में क्लियर रखना है दैट इज दिन फोकस ऑफ दिस क्लास जो मैं आज बताने जा रही हूँ आंसर की आ गई सी एस आई एट की बहुत बच्चे डीमोटिवेटेड हैं बहुत डिसअपॉइंट हैं एक एक मार्क्स के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं ठीक है दिस होल वीडियो इज़ फॉर दैट स्टूडेंट्स ठीक है उनके कमेंट्स उनके मेल का ही आंसर है आज की क्लास ठीक है हम लोग आ, सोचते हैं कि क्या मतलब यू you नो know, पहली बात ये मैंने क्यों लिखा है इतना बड़ा यहाँ आप लोगों के सामने ठीक है पहले आ, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से एक ही बात का है क्या आपको पता है कि आपको क्या बनना है इन फ्यूचर पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो कि मुझे क्या बनना है ठीक है आंसर आंसर क्वेश्चन हमने मैचअप कर लिए है ठीक है उसके बाद में मैं अभी बात करूंगी आपसे पहली बात अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि मुझे बनना क्या है फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रोफेसर बनना है तो मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली exactly, भाई मुझे कैसे चलना है द गाइडेंस शुड बी इन अ प्रॉपर वे ऐसा नहीं है उसने बताया तो मैंने ये कर लिया उसने बताया तो मैंने ये कर लिया तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क डिसाइड योर एम अगर आपने बोला कि मुझे प्रोफेसर बनना है तो मुझे ये लाइन अप फॉलो अप करनी ही है तभी आप प्रोफेसर बन पाओगे येस yes, प्रोफेसर बन पाओगे केस लेक्चरर नहीं बनना है या टेम्प्रेरी जॉब नहीं है। हाँ करनी है हमें परमानेंट जॉब करनी है वी हैव टू डू अ गुड जॉब अब आपने सोचा नहीं मुझे प्रोफेसर नहीं बनना मुझे पी में जाना है तो मैं उसी को फॉलो करूँ ये नहीं कि मैं फिर इधर भी उधर भी और कई लोग होते हैं जो सिर्फ रिसर्च वर्क चाहते हैं they want to become a scientist, they want to do post doc, they want to do uh, out of the way, है ना तो ये तीन चीज़ें main है देखो अगर आप कोई B.Sc एस सी कर रहा है एमएससी किया जिसने ठीक है पहले तो हम नीट करते हैं जेई क्वालिफाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल नहीं हो पाता तो हर बात से डिमोटिवेट नहीं होना है हमें उसको गो थ्रू होना है आगे बढ़ना है ठीक थी है अब बात आती है ठीक है मैम मेरा तो डिसाइड है कि मुझे प्रोफेसर बनना है पहला हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो प्योर चाह पता है उन्हें उन्हें और कुछ नहीं करना है दे वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर ठीक है देखो इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ प्रोफेसर अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा क्या मैम 85 मार्क्स में, में मेरा क्वालिफाई हो जाएगा क्या मैम मेरा 95 मार्क्स में क्वालिफाई हो जाएगा क्या मैम एट्टी मार्क्स में, में क्वालिफाई हो जाएगा पहली बार सुनो फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ गई इस बार नाइन्टी फाइव कि नाइन्टी फाइव जिनके हैं ठीक है उनको नेट क्वालीफाई हो रहा है और जिनके 100 मार्क्स हैं उससे ऊपर हैं जिनका जे हो रहा है और आपके मार्क्स थे फॉर एग्जाम्पल 95 पे है आपके मार्क्स थे 94 94.5 थे लीव इट आपके मार्क्स थे 94.5 तो 94.5 पे अब मैं दुख होकर बैठ जाऊँ ओ माई गॉड पॉइंट हो जाता मेरा नेट क्वालिफाई हो जाता अब मैं आपको एक रियलिटी सच्चाई बता रही बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड पर्सन आई एम 33 थ्री ईयर्स ओल्ड ठीक है मुझसे ये भी पूछा गया कि मैम यू आर सो मच एक्सपीरियंस्ड आप बहुत बड़ी लगती हैं तो यस आई एम थर्टी थ्री एंड आई एम प्राउड टू बी थर्टी थ्री एंड आई एम प्राउड टू बी ऑन द यूट्यूब बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड इफ ए एक्सपीरियंस पर्सन कैन शेयर एनी थिंग विद यू तो वो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए है ना तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको एक चीज बताऊँ कभी भी एलेस नहीं होना चाहिए ठीक है हमेशा एल एस विद जे आर एफ होना चाहिए अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों हम लोग बताए जैसे मैं भी थी ठीक है मैंने भी 2012 में अपना जून 2012 में नेट क्वालिफाई किया था एंड इन 2013 में मैंने गेट क्वालिफाई किया था विद 100 रैंक यस विद 100 रैंक इट्स अ ट्रुथ ठीक है चलो मेरी हिस्ट्री मैं बाद में बताऊंगी फिर उसके बाद बात करते हैं अब मैं बताती हूँ जब मैं वो थी ना जिस टाइम पे थी मैंने जब दिसंबर का पेपर दिया 2011 का तो मैं भी सोचती थी यार नेट हो जाए बस किसी तरह बिना चलो जे नहीं मिलता इट्स ओके जे से मुझे क्या करना है मुझे तो जे से स्कॉलरशिप लेके के पी एच डी करनी वो तो मुझे करनी ही नहीं है तो बस मुझे नेट मिल जाए ठीक है ये थॉट हर एक के दिमाग में आता है बट मैं आपको बताती हूँ एल से होता क्या ठीक है आपको एक नेट की डिग्री मिल जाती है पर जो एक डिग्निटी विद मार्क्स और विद क्या कहते हैं अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो ये भी नहीं ये कंप्लीट होना चाहिए एंड दिस इज अ बिटर ट्रुथ ऑफ द लाइफ आपको ये चीज को समझना पड़ेगा यस आपको एल भी चाहिए आपको जे भी चाहिए आपको पीएचडी भी चाहिए ठीक है एल नेट से क्या हो जाता है ठीक है आप नेट हो गए ठीक है आपने पीएचडी का अब इसकी क्या कर सकते हैं नेट हो गया ठीक है मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो नेट क्वालिफाइड ही हैं बट नाओ देव डू दे वॉज डूइंग एंड दे आर डूइंग पॉज जॉब फ्रॉम इज़राइल माई बेस्ट फ्रेंड इज़ डूइंग पॉज जॉब फ्रॉम इज़राइल और बहुत अच्छा वो अर्निंग कर रही है बहुत अच्छा साइफेन है उसका ठीक है तो बहुत बच्चे नेट से भी करते हैं बट कई बार हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं हम इसके बाद और चीज़ों की तैयारी नहीं करते हैं हम यहीं पर रुक जाते हैं जॉब करना शुरू कर देते हैं और जहाँ आपने अपने एम को यू नो यू गेट सेटल आउट क्योंकि आप अब जॉब करना स्टार्ट कर दिया आपने तो आप कभी पढ़ नहीं पाओगे अपनी लाइफ में आप अब पढ़ नहीं पाओगे इस चीज़ को अब भूल जाओ और अब आप कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो मान लो नेट ही आपका क्वालिफाई हुआ है पर आपको पीएचडी तो करनी ही है आप क्यों चाहिए पीएचडी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यारी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से तो आप गेस्ट लेक्चरर बन सकते हो धीरे 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 लंबी जॉब करोगे वो आपको परमानेंट भी कर देंगे पंद्रह हज़ार से आप कमाना शुरू करोगे पर हमेशा हमें तो हमें एम हमेशा हमें ऊंचा रखना है ना ऊपर थॉट हमारा हमेशा ऊंचा होना चाहिए तो अगर हम थाट हमारा ऊँचा होने चाहिए तो हमें काम भी ऊँचे होने चाहिए है ना तो नेट थी के क्वालिफाई हो गया बट आपको पी तो करनी ही पड़ेगी किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डी में काम काम करना है क्योंकि आप वहां पे क्या होता है डीओ का फॉर्म निकलता है ठीक है आपके आपसे आप पूरा भरवाएंगे भर अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा इंटरव्यू के लिए क्योंकि कई पे सिर्फ क्या करते हैं वो, वो सीधा फॉर्म भरवाते हैं एंड दे गेट अ सेटल आउट कि अब हम इसमें से देख लेते हैं कि किसका कितने अच्छे मार्क्स हैं और उसके बाद उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है तो उसमें हंड्रेड मार्क्स से ही होते हैं ठीक है उसमें हंड्रेड में क्या क्या है आपकी यू नो ट्वेल्थ के मार्क्स हैं टेन ट्वेल्थ के मार्क्स हैं बी के मार्क्स हैं एम के मार्क्स हैं वो सारे होंगे नेट अगर आपने कर रखा है उसके फॉर एग्जाम्पल टेन मार्क्स हैं जे आर एफ का रखा है तो उसके फिफ्टीन मार्क्स हैं इफ़ यू और ये तो हो गए इतने फिर उसके बाद आप मान लो आपने पी एच डी करके तो उसके थर्टी मार्क्स हैं तो भाई जिसने पी एच डी नेट और जे आर एफ का रखा है वो उनको लेंगे आपको लेंगे आप पहले ये सोचो कि आप ये नटी हो तो क्या वो आपको लेंगे आपको वहाँ में से कहीं से भी इंटरव्यू कॉल नहीं आने वाला है तो इससे बेटर है कि आप ठीक है आपने एल एस करा है बट आपको पीएचडी तो करनी ही करनी है अगर आपको प्रोफेसर बनना है ये बात को बिल्कुल अच्छे से स्टार कर लो अब हम आ जाते हैं ठीक है, है मैंने ये हो गया जे से क्या होगा डिग्निटी मिलती है आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंडक्ट कराती हैं अपना यू नो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है पीएचडी के लिए बट अगर आप जेआरएफ हो तो आपका रिटर्न होता ही नहीं है आपका सीधा इंटरव्यू होता है और इवन आप मानोगे नहीं सीधा इंटरव्यू में भी यू गेट क्वालिफाइड फॉर द पी तो आपको पीएचडी मिलती है आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट से अप हो जाओगे विद इन अ सिक्स मंथ्स और वन ईयर ठीक है तो उस प्रोजेक्ट से आपको अच्छा साइफिन मिलेगा मे बी थर्टी थाउजेंड तो मिनिमम होता है जो स्टार्टिंग होता है थर्टी फोर्टी थाउजेंड को पर मंथ मिलेगा और क्योंकि आजकल हर यूनिवर्सिटी का हो रखा है कि वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट अपना निकालते हैं और उससे अच्छी खासी उनको स्कॉलरशिप मिलती है अब आपने एल एस भी कर रखा है जे आर भी कर रखे पी एच डी तो भाई आप क्लियर कट सही रास्ते पर चल रहे हो ठीक है बस ये है कि अपनी पढ़ाई मत छोड़ो क्योंकि पी भाई मेरा एक्सपीरियंस है पी का ठीक है मैंने पी क्यों छोड़ी ठीक है उसका भी एक ही मात्र रीज़न है क्योंकि मैं अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रही थी एंड आई एम मैरिड आई एम मैरिड विद टू किड्स तो फिर मेरे लिए दोनों चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो रहा था तो मैंने ये चूज़ किया कि आई विल क्विट पी एच डी आई विल ओनली टू माई द स्टडीज़ एंड मैं पढ़ाऊँगी और जितना भी मैं कर पाऊँगी दैट आई विल डू दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस ठीक है तो ये तो हो गया कि भाई हमको ये तीनों करने हैं तो आप सही राह पे चल रहे हो आप इसके बाद इधर भी जा सकते हो पॉजडॉग भी कर सकते हो बहुत लोग कर सकते हैं बट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो क्या होता है हम पढ़ाई भूल जाते हैं फिर हम बिल्कुल रिसर्च कर रहे हैं मैंने हाइड्रोजन के ऊपर वर्क किया हुआ है तो मैं क्योंकि होता है जब आप रिसर्च में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको एक 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 काम दे दिया जाता है और आजकल इंडिया में भी अच्छा वर्क मांगते हैं ऐसा नहीं है आपने कुछ भी लिख दिया और आप प्रोफेसर के पास चले गए दे विल गिव यू अगर वो डिग्निटी वाली यूनिवर्सिटी है एंड यू आर डूइंग अ वेरी यू नो गुड जॉब तो भाई वो जब तक आप एग्जैक्ट काम नहीं करोगे दे विल मेक अ क्रॉस टू यू और अगर अच्छा काम किया दे विल गिव यू टिक तो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेसर ठीक है अब आते हैं कि भाई मुझे तो नहीं करना मुझे ना एल करना है ना ठीक है एल किया नेट करना है बट मेरा टारगेट पीएस यू मैंने इसलिए नेट किया कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल बराबर लेवल के आते हैं पीएस यू गेट अब ये नहीं है कि गेट क्वालिफाई करना है ट्वेंटी नाइन मार्क्स ले लिए ट्वेंटी एट मार्क्स ले लिए मैं तो गेट क्वालिफाई हो गया उससे कुछ भी नहीं होने वाला है सीरियसली उसमें कुछ नहीं होने वाला है इसके थ्रू भी लोग पीएचडी के लिए जाते हैं इसके थ्रू भी लोग पीएचडी के लिए जाते हैं विद अच्छी रैंक विद अ वेरी गुड रैंक ठीक है अगर आपका स्कोर अंडर फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी के अंदर होता है या आपका क्या कहते हैं वो भी अकॉर्डिंग होता है हर हर साल की मेरिट होती है किसी साल में यू नो लीनियंट मार्किंग हो मतलब कि लीनियंट एग्जाम था तो भाई बहुत क्या कहते हैं हायर रैंक्स वालों को uh, मतलब बुलाते हैं ओ के लिए मतलब है ना वो अकॉर्डिंगली सेटल होता है बट अंडर थर्ट थ्री हंड्रेड पर under पे आपको ओ से कॉल आ जाती है ठीक है तो ये तो गेट से तो आपको ओ ही मिलेगी बाक और डीआरडी uh, बहुत हाई लेवल पे आप थर्टी टू सिक्सटी ये मैंने बताया उसी पे आपको ये इनमें से मिलता है इसरो का भी अपना खुद का कंडक्ट कराती है इसरो ठीक है अब आते हैं ये जो कंपनीज़ है ना ये खुद का कराती हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मेरे को खुद का एक्सपीरियंस है ठीक है विद इन अ सिर्फ टॉप टेन्स को ही वो लेते हैं ठीक है उसके बाद भी इंटरव्यू होता है मतलब कि लेंगे तो, मतलब थर्टी फोर्टी को लेंगे फिर उसके बाद टॉप टेन ही गेट सेलेक्टेड टू हिंदुस्तान पेट्रोलियम फॉर द लैब वर्क बट दे आर ऑल्सो गेटिंग द वेरी गुड सैलरी एज कंपेयर टू जो कि बी से आ रहा है और जिसने बी एस सी एमएससी केमिस्ट्री में किया है तो उन दोनों की सैलरी बिल्कुल बराबर होती है बट ये होता है उनका लैब ही का काम होता है ठीक है वो लैब्स से टेड ही उनका काम रहता है उनकी पोस्टिंग भी बिल्कुल लिमिटेड लिमिटेड एरियाज में होती है जैसे मुंबई हो गया ठीक है दिल्ली हो गया है तो इस एरियाज़ में रहता है तो ये सब में यही होता है कि थोड़ी कम पोस्ट होती है बट बहुत अगर आपने अच्छे मार्क्स किए और आपका एम यही है यू आर नॉट गेटिंग सेटल आउट तो आप आप यही करेंगे आप कई बच्चे क्या करते हैं ठीक है जो भी हो गया आप इसके लिए भी मैं यही कहूँगी पी एच डी फ्रॉम अब्रॉड आप नेट और जे हो जाओ तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि नेट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए ठीक है जे रहेगा तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि उनको लगता है हाँ ये इंटेलिजेंट बच्चा है इसको हमें देनी चाहिए स्कॉलरशिप वहाँ के बहुत अलग अलग टर्म्स हैं बहुत अलग अलग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी इन अ वेरी डिफरेंट वीडियो कि अब्रॉड में अगर आपको पी करनी है तो आपको क्या क्या करना है क्या क्या क्वालिफ़ाई करना है जी आर करना है आईलेट्स करना है टॉफ़िल करना है क्या करना है आपको क्वालिफ़ाई तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगी अब आते हैं पॉजॉप पॉजॉप ये क्या होता है ना कई लोग सिर्फ रिसर्च में ही रहना चाहते हैं फिर वो लोगों को पी कराते हैं रिसर्च वर्क रिसर्च वर्क रिसर्च वर्क वही उनका चलता रहता है तो वो भी इस लाइन में जा सकते हैं ठीक है तो बात आती है कि मैम एक नंबर से मेरा अगर uh, नेट नहीं हुआ तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं होना है अच्छा हुआ नहीं हुआ क्योंकि आप नेक्स्ट बार जे आर एफ क्वालिफाई करोगे तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्लास कि आप एक एक नंबर ठीक है अभी रिजल्ट का वेट करो ठीक है अभी क्लेमिंग्स होंगी ये होगा आप उन सबका वेट करो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि डिसअपॉइंट नहीं होना है डीमोटिवेट नहीं होना है आपको आगे बढ़ना है नेक्स्ट के लिए आपको प्रिपेयर ऑफ करना है ठीक है ना तो अभी आ, क्या कहते हैं एक नंबर से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है ठीक है अब हम लोग आ, क्या कहते हैं मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में मेन ग्रुप केमिस्ट्री चल रहा है ठीक है उसकी फोर्थ क्लास है जिसमें मैं ब्रोन्स ख़त्म कर दूंगी ठीक और आगे अब हम लोग मिलेंगे बनाऊँगी मैं कि पी एच डी फ्रॉम अब्रॉड कैसे करें ठीक है क्या क्या आपको अप्लाई करना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मैं जानती हूँ जिनके जहाँ मेरे लोग रिसर्च uh, वर्क भी कर रहे हैं एम बी ए भी कर रहा है दैट आई विल शेयर इट विद यू ठीक है दिस इज़ फॉर एक्स क्लास थैंक यू सो मच